चलिए दोस्तों, देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो चलिए समझते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। देखिए सीधी सी बात है, एक लाइन में इसने खत्म कर दिया। क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़ फ्लो कर रही है और कितनी तेजी से फ्लो कर रही है, ठीक है। अगर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तेजी से, तो उसको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे या करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट भी देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक सेल हमने यहाँ कनेक्ट किया हुआ है, ये सेल कनेक्टेड है इस बल्ब के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट पे से पॉजिटिव चार्जेस का क्या होगा? चार्जेस का फ्लो होता है, और चार्जेस के फ्लो को ही इस पूरे सर्किट में क्या होंगे, चार्ज फ्लो करेगा, और चार्ज फ्लो करेगा तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, ठीक है। कितनी तेजी से फ्लो कर रहा है वो डिपेंड करता है, ठीक है, सेल पे डिपेंड करता है, बैटरी पे, जो आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, ये मतलब जो बैटरी ली हुई है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं, इसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा है, चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। आप इसको ईजिली निकाल सकते हैं, जैसे कि नाम था रेट, जहाँ भी वर्ड आता है ना रेट, रेट का मतलब समझ जाइए टाइम से डिवाइड करना है वहाँ पर उस चीज़ को, और रेट ऑफ किसका, फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का रेट, तो चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। इसको अगर आप सिंबल्स के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, चार्जेस को क्यू से और टाइम को टी से। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। आपको ये फॉर्मूला जो है याद रखना है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसकी यूनिट के बारे में। यूनिट अभी हमने लास्ट उसमें देखा कि हमने एक यूनिट पढ़ी थी, है ना, चार्ज की यूनिट पढ़ी थी। चार्ज किस में नापा जाता था, ठीक है, कूलम में नापते थे हम चार्ज को। इसी तरह से करंट की भी एक यूनिट है, उसको समझते हैं। देखिए यूनिट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसे कि ये फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है, करंट का ये फॉर्मूला होता है। तो आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी बोला जाता है। क्यू की यूनिट क्या होती है, अभी हमने पढ़ा, आपको याद होगा क्या होती है, चार्ज की यूनिट कूलम होती है ना। तो कूलम चार्ज की यूनिट हो गई, और टाइम की यूनिट क्या हो गई, सेकंड हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट क्या बन जाती है, कूलम अपॉन सेकंड, और अपॉन में तो पावर वन होता है, नीचे ऊपर जाएगा तो पावर माइनस वन हो जाएगा, जो कि हो जाएगा कूलम पर सेकंड। इसको क्या बोलेंगे हम, कूलम पर सेकंड, ठीक है। तो ये कूलम पर सेकंड का एक नाम और है, इसको बोला जाता है, आपको ध्यान रखना है, एम्पियर। कूलम पर सेकंड इज कॉल्ड एम्पियर, ठीक है, एम्पियर कहा जाता है। मतलब करंट की, अब यूनिट की अगर हम बात करते हैं करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है सिंपल सी एम्पियर, ठीक है, एम्पियर में मेजर किया जाता है। 5 एम्पियर करंट है, 2 एम्पियर करंट है, ठीक है, तो उसमें बताया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ 1 एम्पियर की, है ना, 1 एम्पियर की अगर बात करते हैं, 1 एम्पियर को डिफाइन करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है इस चीज़ के बारे में, डिफाइन 1 एम्पियर। देखिए 1 एम्पियर कब आएगा, जब चार्ज कितना हो जाएगी ऊपर, अगर हम फॉर्मूले की बात करें, कितना, 1 एम्पियर की अगर हम बात करते हैं, ये 1 कब आएगा इसका आंसर, क्यू अपॉन टी, जब चार्ज कितना हो जाए, 1 कूलम हो जाए, है ना, ये ऊपर वाला क्यू कितना हो जाए, 1 कूलम हो जाए, और टाइम कितना हो जाए, ये टाइम हो जाए 1 सेकंड। तो कूलम पर सेकंड क्या होता है, ठीक है, 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड, तो 1 कूलम पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे, हाँ, 1 एम्पियर करंट, ठीक है। मतलब सीधा सा है यार, देखो 1 सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे 1 एम्पियर करंट, ठीक है। द अमाउंट ऑफ करंट व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज पास्ड इन 1 सेकंड, है ना, 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज अगर पास होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर